एमएस धोनी ने अपने इस एक पोस्ट से पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया है। और इतना इंतजार तो हमें बाहुबली पार्ट 2 का नहीं था जितना एमएस धोनी के नए रोल का है, और काफी सस्पेंस बना हुआ है अभी भी इस पर। वैसे तो एमएस धोनी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन जैसा भी वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो उनके एक पोस्ट से खलबली मच जाती है और पूरे इंडिया में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जी हां, आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले एमएस धोनी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में खलबली मच चुकी है। और जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं दुनिया में किसी भी कोने में, वो यही सोच रहे हैं कि एमएस धोनी ने आखिर ये पोस्ट क्यों डाली और क्या है इसके पीछे की वजह। एमएस धोनी ने कल फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, कांट वेट फॉर द न्यू सीजन एंड द न्यू रोल, स्टे ट्यून्ड। और एमएस धोनी ने अपने इस पोस्ट के जरिए बताया है कि वो आईपीएल के इस नए सीजन के लिए और उनके चेन्नई सुपर किंग में एक नए रोल के लिए वो जरा सा भी वेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कि जो चेन्नई के फैंस हैं और एमएस धोनी के फैंस, वो यही सोच रहे हैं कि एमएस धोनी का आखिर ये न्यू रोल होगा क्या? क्या वो ओपनिंग करने के लिए आएंगे या फिर क्या वो इस बार गेंदबाजी भी करेंगे? और जो सबसे ज्यादा लोगों को चीज डरा रही है वो यही है कि क्या एमएस धोनी संन्यास लेकर एज ए मेंटोर तो नहीं टीम में शामिल होंगे। और यही बातें जो हैं ये सबके मन में आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यही चीज है कि एमएस धोनी शायद इस बार ओपन करें या हमें टॉप ऑर्डर में कहीं खेलते हुए नजर आए। और इसके बीच कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद एमएस धोनी इस बार कैप्टेंसी छोड़ देंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। लेकिन जैसा ही एमएस धोनी ने ये पोस्ट डाली फेसबुक पर, उसके बाद एमएस धोनी को तो क्या किसी को भी इंतजार नहीं हो रहा कि आखिर एमएस धोनी का ये नया रोल होगा क्या। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या होगा एमएस धोनी का नया रोल? कमेंट बॉक्स में बताना। वहीं स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।